आज है 2 जनवरी, आपको पता ही होगा यार। और यार बता दूं कि 1 जनवरी तो कल निकल गया, सो कल के दिन पे मैंने वीडियो इसीलिए नहीं पोस्ट कर पाया बिकॉज 1 जनवरी था यार, घूमने गया था, है ना। तो भैया समझ सकते हो, है ना। तो भैया बात ऐसी है, घर जैसी है कि आज का जो गेम प्ले वीडियो होने वाला है उसमें जो चैलेंजेस मैं करने वाला हूँ वो है गाइस M416+AKM। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज इसीलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों गन्स है ना, ये दोनों गन्स ओपी गन माना जाता है, ठीक है। तो आज की इस वाले गेम प्ले पे मैं AKM अगर मिल जाता है मेरे को तो मैं AKM उठाऊंगा, और अगर मेरे को M416 मिल जाता है तो मैं M416 उठाऊंगा। ओके, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे को AKM मिल चुका है और मेरे को दो दो AKM मिल चुका है, मतलब भैया डबल धमाका, समझ रहे हो ना भैया, डबल धमाका। ओके, सो दो दो AKM मिल चुका, तो अभी मैं इस वाले गेम प्ले पे फुल गेम प्ले पे दो दो AKM चलाऊंगा। ओके, बाकी अगर आगे चल के मेरे को M416 मिल जाता है और उसमें 6x मेरे को मिल जाता है तो मैं 6x भी मतलब ले सकता हूँ, मतलब M416 के साथ, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बेटर हो जाएगा। ओके, अब यार बात करते हैं गेम प्ले की। तो मैं उतर चुका था ओल्ड बेसिन पे, एंड ओल्ड बेसिन पे उतरने के बाद गैस मेरे को गन वगैरह मिल चुका था, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जो टीममेट है वो कोई भी गन उठा सकता है, ठीक है, मतलब मेरा जो टीममेट है वो कोई भी गन उठा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा चैलेंज है वही वाला ही गन उठाऊँगा। ओके, तो ये मेरा चैलेंज है जो कि मैं हमेशा बहुत ईमानदारी से कंप्लीट करता हूँ चैलेंजेस को, और इसी बात पर 1 लाइक तो है बनता है। ओके, सो कर दो यार अभी के वीडियो वीडियो को लाइक मारो। अगर इस वाले ड्रॉप में मेरे को मैंने सोचा कि चलो ड्रॉप लूट के आते हैं, क्योंकि ड्रॉप में मेरे को अगर AWM वगैरह मिल जाता है तो मैं उठाऊंगा तो नहीं, मैं अपने टीममेट को दे दूंगा। ओके, क्योंकि मैं M416 और AKM के अलावा कुछ भी गन उठा नहीं सकता हूँ। ओके, अगर मैं उठाऊंगा तो वो अनसक्सेसफुल चैलेंज माना जाएगा। ओके, सो भाई चैलेंजेस जब मैं बोलता हूँ ना तो करता हूँ भैया, कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे मेरे को मेरा रानी से ब्रेकअप करना पड़ेगा ना फिर भी कर लूँगा भाई, है ना। तो अब यार एक चीज़ बता दूँ कि आपको पता है सीज़न ख़त्म हो चुका है और न्यू विनर पास आ चुका है। ओके, तो अगर आपको ये वाला विनर पास फ्री में चाहिए ना तो उसके लिए मैंने गिव अवे रखा है, ठीक है, हमारे चैनल पर एक गिव अवे रखा है। तो इस वाले गिव अवे में बिग गिव अवे होने वाला है, इसमें होने क्या वाला है मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। इसमें मैं आप लोगों को, जी हाँ दोस्तों, 10 लकी विनर्स को फ्री में इलाइट पास दूंगा। मतलब गाइस जो विनर पास होता है वो मैं फ्री में देने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, जस्ट सिंपल सा काम है, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आईडी में आप लोगों को जाना है और पहले तो मुझे फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करने के बाद एक छोटा सा मैसेज करना है, कुछ भी मैसेज कर सकते हो आप लोग, कुछ भी रैंडम कुछ भी मैसेज कर दो। ओके, और गाइस जो फर्स्ट आप लोगों को पोस्ट दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे उसको आप लोगों को लाइक करना है, और नीचे कमेंट में, उसी पोस्ट के नीचे कमेंट में अपना नाम लिख देना है या फिर कोई भी एक रैंडम कमेंट कर देना है, ठीक है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। ओके, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, अगर कमेंट नहीं करोगे और मैसेज नहीं करोगे और फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे, पार्टिसिपेट नहीं ले पाओगे। तो अगर आपको गिवअप में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को ये तीनों स्टेप्स पूरा करना होगा। ओके, अब कैसे जाओ पूरा करो, क्योंकि लक भाई कभी भी बदल सकता है, आप लोगों को भी मिल सकता है, और 10 लकी विनर्स को मैं दूंगा गाइस, 10 बंदे को, ठीक है। तो कर दो यार कर दो, क्या पता उन 10 बंदों में से आपका नाम आ जाए, है ना, उस दिन मतलब वो 10 लिस्ट में आपका नाम आ जाए, क्या पता। तो जाओ यार अभी के भी जाओ फॉलो कर लो, एंड मैसेज भी कर देना और लाइक भी कर देना, सब कुछ कर देना, आप लोग ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओगे। और इसका जो रिजल्ट है वो मैं इंस्टाग्राम पे ही डालूंगा, ठीक, इंस्टाग्राम के स्टोरीज में मैं डालूंगा इसका जो रिजल्ट होगा। ओके, तो फॉलो ज़रूर कर लेना, अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, अब यार देखो बात करते भरते मैं बता दूं कि मैं गेम प्ले पे इधर को आ चुका था और इधर को देखो मेरे साथ गलत सीन हो गया और बहुत सारे बंदे के बीच में मैं फंस गया और मेरा हो गया था सैंडविच। और देखो गाइस सैंडविच जब होता है ना तब यही होता है, गलत सीन भाई।
कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे आ चुके हैं। नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे गाइस मैंने वादा किया था कि इस वाले गेम प्ले पे अगर मैं चिकन डिनर नहीं ले पाया ना, कसम से बता रहा हूँ नहीं ले पाया ना, तो भाई जिंदगी में मैं पबजी नहीं खेलूंगा। कसम से बता रहा हूँ पबजी लाइट नहीं खेलूंगा जिंदगी में भी नहीं। ओके सो तुम लोग देखते रहो, इस वाले गेम प्ले पे मैं चिकन डिनर लेने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी 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 कोशिश करूंगा, है ना। अगर नहीं ले पाया यार, ये मेरा वादा है गाइस, वादा, कसम से बता रहा हूँ, कल से मैं पबजी लाइट नहीं खेलूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं इस वाले गेम प्ले पे चिकन डिनर नहीं ले पाया। तो चलो गाइस देखते हैं मैं चिकन डिनर ले पाता हूँ कि नहीं। ओके तो ये भी मतलब एक मतलब दो दो चैलेंजेस जैसे मैं कर रहा हूँ अभी M416 एंड AKM का, और ये भी चैलेंज तुम लोग सोच लो भाई फ्री फोकटिया में, मतलब मैंने वो सही दे दिया है ना कि भैया चिकन डिनर तो अपन लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं आया ड्रॉप लूटने और यहाँ पर एक बंदा था, तो देखो गाइस निपटाते हैं। तो इसको तो बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब देखो मेरे पास एक M416 और बैरल था, बिकॉज मेरे को अभी तक AKM मिला नहीं था गाइस। ओके तो मैंने यहाँ पर बैरल से मारा, क्योंकि अगर मैं बैरल से नहीं मारता तो मैं मर जाता, बट यहाँ पर देख सकते हो मेरे को AKM मिल चुका है। तो अब जो हमारा चैलेंज है वो अनसक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे को AKM और M416 दोनों मिल चुका है। अब चलो यार बंदों को ठिलाएंगे AKM एंड M416 में, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन ना भाई लेजेंडरी कॉम्बिनेशन है, कसम से बता रहा हूँ, मेरे लिए ना लेजेंडरी कॉम्बिनेशन है। अब यार चिकन तो भाई पक्का होगा ही होगा। अब यार आ चुके हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ड्रॉप पे। अब इस वाले ड्रॉप में मैं देखता हूँ कि मेरे को RPG 7 मिलता है, बट मैं RPG 7 उठा नहीं सकता हूँ, बिकॉज चैलेंज भैया चैलेंज होता है। तभी मेरे को ये वाला गाड़ी वाला दिखा, जिसके एक बंदे को मैंने निपटाया और गाड़ी मैंने फोड़ दिया। अब गाड़ी में जैसे ही फोड़ने लगा, तभी उसका जो दूसरा टीममेट था जो कि ऑलरेडी घर पे जा चुका था, उसने भाई तगड़ा वाला फायर किया और मेरे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पर गाइस मैं अपने टीममेट को बुला रहा था कि भाई उसको छोड़ो, पहले आके मुझे रिवाइव करो, बिकॉज मैं अपने टीममेट के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो मर जाएगा और ये चिकन डिनर नहीं होता है तो भैया क्या ही पेला जाऊँगा ना मैं, वो मुझे ही पता है। तो इसीलिए यार मैं अपने टीममेट को बोल रहा हूँ, रिक्स मत लो यार, ट्रिक्स मत लो, आ जाओ मेरे को रिवाइव दे दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, दोनों एक साथ मरेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी तुम मुझे रिवाइव दे दो। तो फिलहाल मेरा टीममेट मेरा बात सुन लिया और आके मुझे रिवाइव दे दिया। अब रिवाइव देने के बाद गाइस अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि बॉट भाई साहब ना पीछे से बहुत परेशान करते हैं। अब चलो भाई बॉट भाई साहब को निपटाते पहले। कसम से बता रहा हूँ गाइस, ये बॉट भाई साहब ना पीछे से जो दिक्कत देते हैं ना भाई, इसीलिए मैं बॉट को मारता हूँ पहले। मैं बंदों को पहले नहीं मारता, बॉट को पहले मारता हूँ, क्योंकि ये जो बॉट्स होते हैं ना, ये ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना भाई, कसम से भाई क्या ही बताऊं। अब देखो वो वाला बंदा पेड़ के पीछे से झांक रहा था, यही उसने सबसे बड़ा गलती किया। अब देखो कैसे निपटाते हैं, बहुत ही प्यार से निपटा दिया, बेचारे के पास हेल्थ ही नहीं था, तो कोई बात नहीं उसको निपटाया। उसके बाद यहाँ पर एक बॉट भाई साहब दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, जिसको भी मैंने बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब इसको निपटाने के बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ से निकलते, तभी भाई एक जीप आया और मेरे को चढ़ाने ही वाला था, लेकिन गाइस वो जाके उधर को छुप गया और मुझे लगा कि भाई वो भाग चुका होगा, मतलब यहाँ से निकल चुका होगा, पतला सड़क देखकर, है ना, लेकिन गाइस वो भागा नहीं था, वो जाकर उस वाले घर पे छुप चुका था। अब पहले तो मुझे लग रहा था भाई भाग चुका है, तो मैं यहाँ से बहुत ही प्यार से आराम से जाता हूँ, ठीक है, लेकिन गाइस जैसे मैं गाड़ी पे चढ़ता हूँ तभी उसने तगड़ा वाला फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे तैसे मैं गाड़ी को इधर को लेकर आ जाता हूँ और देखता हूँ मेरा टीममेट यहीं पर ही खड़ा हुआ है। अब देखो यार कैसे निपटाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो पहले तो यहाँ पर मैं नेट करूँगा, मुझे लगा नेट से शायद एक दो बंदे नॉक हो जाए, लेकिन गाइस वो लोग भाई कतई गंदा वाला छुपा रहता है, तो यहाँ पर नेट से तो कुछ काम हुआ नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास मॉली भी था, तो मैंने सोचा मॉली का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि भाई इसको थोड़े ना घर लेके जाएंगे, है ना। अब गाइजर रस बोल देते हैं,
एक बंदे को मैंने निपटा दिया जैसे तैसे, दूसरा वाला बंदा देखो, दूसरे वाले को बंदों को भी बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब इन दोनों बंदों को निपटाने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा लूटा लाटी कर लेता है, क्योंकि मेरे पास हेल्थ किट नहीं था और एमो भी थोड़ा सा कम था। क्योंकि भाई देखो, जब तुम लोग दो दो एआर गन्स उठाते हो ना, तो भाई एमो का दिक्कत होता ही होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं एमो वगैरह उठाने के बाद मैं सीधा इस वाले ड्रॉप के पास आया, और इस वाले ड्रॉप के पास जैसे मैं आया उसके बाद मुझे लगा कि चलो यार इस वाले ड्रॉप में देखते हैं क्या मिलता है। बहुत टाइम से मेरे को मेरा रानी नहीं मिला था, और जैसे मैंने ड्रॉप को लूटा, कसम से बता रहा हूँ यार, मेरे को मेरा रानी मिल चुका था। लेकिन गाइस चैलेंज तो भैया चैलेंज होता है, तो मैं यहाँ पर अपना रानी उठा नहीं सकता था। तो मैंने बोला कि अपने टीममेट को कि तुम उठा लो, क्योंकि मेरा रानी ऐसे जोन पे पड़ा हुआ रहेगा, मतलब ड्रॉप पे पड़ा हुआ रहेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने अपने टीममेट को दे दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मेरे को ये वाला बंदा दिख जाता है जिसको मैं बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ। बेसिकली मेरा टीममेट मेरा किल चुरा लेता है, बट कोई नहीं यार, किसी के पास तो किल जाता है ना, चलो वही बेटर है। मेरे को चिकन डिनर लेने से मतलब है भाई, क्योंकि मैंने चैलेंज तो दे दिया कि चिकन डिनर अगर नहीं मिला तो भाई मैं पबजी खेलना ही छोड़ दूंगा। ओके, तो देखते भाई क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे को तगड़ा वाला फायर हुआ, और देखो मेरा स्प्रे, हाँ हाँ मुझे पता है वर्ल्ड बिगेस्ट टट्टी स्प्रे है मेरा, बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अभी मेरे को यहाँ पर दूर पे एक बंदा दिख गया, अब देखो इसको बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ मैं। अब इसको निपटाने के बाद गाइज मैं यहाँ पर स्मोक करता हुआ जाता हूँ, मतलब स्मोक वॉल कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि जो दूसरे वाले बंदे थे वो वहाँ पर ऊपर में थे और उनके पास एडवांटेज क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब एडवांटेज था बहुत तगड़ा मारने के लिए, और मेरे को मार भी चुका था। तुम लोग देख सकते हेल्थ, और जैसे मैं यहाँ पर अपने आप को हील करता हूँ तभी 1 2 3 ओ माय गॉड, मिल जाता है हम लोगों को विनर विनर्स चिकन डिनर। तो ये तो छोटा सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच and goodbye.